नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो चार का चक्रव्यूह। चार के चक्रव्यूह में आज बात कांग्रेस और ट्विटर के बीच चल रहे विवाद की करेंगे। दरअसल कुछ महीने पहले केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच काफी विवाद हुआ था, लेकिन अब एक नया विवाद शुरू हो गया है और वो है ट्विटर और कांग्रेस का। हालांकि ये विवाद क्या है और इसमें क्या कुछ हो रहा है ये बाद में आपको बताएंगे। उससे पहले जरा बात राहुल गांधी की कर लेते हैं। दरअसल राहुल गांधी की राजनीतिक जिंदगी में उतार चढ़ाव ही नहीं, कई ऐसे पड़ाव भी आते हैं जिन्हें उनके लिए भूल पाना ही बेहतर होता है। अक्सर ही कुछ वक्त बीतने के बाद राहुल गांधी को एक नए अवतार में देखने को मिलता है और हर बार वो नए एनर्जी और लेवल के साथ खुद को प्रेजेंट करते हैं। कुछ दिन तक तो रफ्तार बनी रहती है, लेकिन फिर रूटीन में आने के बाद बस ट्विटर तक वो सिमट कर रह जाती है। ट्विटर का ताजा एक्शन भी राहुल गांधी के लिए एक बड़ा सबक है। दरअसल विपक्षी खेमे के बीच जब से राहुल गांधी एक्टिव हुए हैं, रफ्तार कुछ ज्यादा ही तेज हो चली है। रफ्तार में एक बड़ा रिस्क हमेशा रहता है और वो रिस्क है सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी का एक्टिव मोड इतना एक्टिव हो गया है कि उन्होंने ट्विटर से ऐसा पंगा लिया कि अब वो थमने का नाम नहीं ले रही है। संसद से सड़क के रास्ते तक, जंतर मंतर तक विपक्ष को एक साथ लेकर आगे आके चल रहे राहुल गांधी अचानक दिल्ली में ही एक ऐसे पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचते हैं जो अपनी 9 साल की बच्ची को खो चुका होता है। परिवार का आरोप है कि बेटी के साथ रेप के बाद हत्या कर दी गई और फिर आरोपियों ने ही अंतिम संस्कार भी कर दिया। बहरहाल पुलिस हरकत में आती है और चारों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लेती है। राहुल गांधी हो या फिर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा हो, ऐसे मौके पर पीड़ित परिवार के साथ हमेशा खड़े होते नजर आते हैं। कठुआ और उन्नाव रेप के खिलाफ इंडिया गेट पर कैंडल मार्च तो भाई बहन ने मिलकर किया ही था। हाथरस तक भी प्रशासनिक रोक के बावजूद पहुंच ही गए थे, लेकिन हड़बड़ी में कई बार हादसे भी हो जाते हैं और ऐसा ही कुछ हादसा राहुल गांधी के साथ भी हो गया है। दरअसल राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट लॉक क्या हुआ, उन्होंने तो दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का सहारा लिया, लेकिन अब उनके फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट भी लॉक कराए जाने की मांग उठने लगी है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हमारे देश में कोरोना की तीसरी लहर जब चौखट पर खड़ी है और बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा है और ऐसे में 15 अगस्त भी बेहद नजदीक है, लेकिन ऐसे समय में भी विपक्ष राजनीति करने से बाज नहीं आ रहा है। दरअसल हमारे देश में ये बहुत बड़ी विडंबना है कि जनता के मुद्दों को छोड़कर हमारे देश के राजनेताओं को ज्यादा तवज्जो मिलती है और राजनीति करने से वो बाज नहीं आते हैं। चलिए ये बात सही थी कि राहुल गांधी दिल्ली में रेप पीड़िता के परिवार से मिलने पहुंचे थे और उनसे बातचीत भी की थी, लेकिन इस मुद्दे में भी कांग्रेस ने राजनीति ही ढूंढ ली। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि क्यों अक्सर हाथरस, दिल्ली और बाकी रेप पीड़िताओं का एक मुद्दा बना दिया जाता है। ट्विटर और राहुल गांधी में विवाद सारा यहीं से शुरू हुआ था, जिससे अब राहुल गांधी एकदम बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के पीड़ित परिवार के साथ मुलाकात की तस्वीर ट्विटर पर शेयर करना ही रफ्तार भरी राजनीति के चलते हुआ हादसा ही लगता है। भले ही राहुल गांधी की टीम में किसी ने वो तस्वीर ट्विटर पर शेयर की है, लेकिन जिम्मेदारी तो राहुल गांधी की ही बनती थी और वो ट्वीट हटाकर ट्विटर ने एक्शन के साथ राहुल गांधी को आगे के लिए नसीहत भी दी है। चलिए आगे बात आपको राहुल गांधी और ट्विटर से जुड़ी और प्रमुख बातें बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। राहुल गांधी और ट्विटर में विवाद बढ़ता ही जा रहा है। कांग्रेस का दावा है कि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट और पार्टी नेताओं के 5,000 से ज्यादा अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है। पार्टी के अनुसार कांग्रेस के महासचिव रणदीप सुरजेवाला, केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, लोकसभा में पार्टी के व्हिप मानिकम टैगोर कुछ ऐसे नाम हैं जिनके अकाउंट को ट्विटर ने लॉक कर दिया है। इन सभी नेताओं पर ट्विटर के नियमों के अनुपालन में गड़बड़ी का आरोप है, ट्विटर ने इसलिए ये एक्शन लिया है। इन बड़े नामों के अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुष्मिता देव के ट्विटर अकाउंट को भी लॉक किया गया है। कांग्रेस के अनुसार 5,000 से ज्यादा नेताओं के अकाउंट पर ताला लग गया है और अब इन खातों से कोई भी गतिविधि नहीं हो सकती है। कांग्रेस ने कहा है कि
पार्टी के एक वरिष्ठ सांसद ट्विटर से इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं और मामले को जल्द सुलझाए जाने की मांग की जा रही है। कांग्रेस ने ट्विटर को पत्र लिखा है कि इस विवाद को जल्द खत्म करने की अपील की है। कांग्रेस ने कहा है कि ट्विटर को अकाउंट को सस्पेंड करने का एक्शन से लेने से पहले चरणबद्ध कार्रवाई करनी चाहिए थी और ऐसे में ट्विटर को पहले चेतावनी देनी चाहिए थी और इसके बाद ही ट्वीट को डिलीट करवाना चाहिए था। ट्विटर की इस कार्रवाई पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और ट्विटर दोनों पर ही हमला किया है। राहुल ने शुक्रवार को कहा कि ट्विटर का एक्शन दिखाता है कि वो एक तटस्थ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, वो सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि हमें संसद में बोलने की अनुमति नहीं दी जाती और मीडिया पर भी नियंत्रण है। अब हमारे पास एकमात्र यही आशा की किरण थी, लेकिन ऐसा लगता है कि ये प्लेटफॉर्म भी नहीं रहेगा। राहुल ने कहा कि ये सिर्फ राहुल गांधी पर हमला नहीं बल्कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला है। दरअसल कांग्रेस सांसद ने कहा कि इसका राजनीतिक असर भी होगा और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि ट्विटर हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में हस्तक्षेप कर रहा है। राहुल ने कहा कि ये कंपनी हमारी राजनीति को परिभाषित करने के लिए बिजनेस कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे 2 करोड़ फॉलोअर्स हैं, मेरे अकाउंट को लॉक करके उनके विचारों की अभिव्यक्ति के अधिकार को कुचला जा रहा है। बता दें कि राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई नेताओं ने दिल्ली में बच्ची से रेप और कथित मर्डर के मामले में परिवारजनों की तस्वीरों को ट्वीट किया था, जिससे उनकी पहचान जाहिर हो गई थी। इसके बाद ट्विटर ने पहले राहुल गांधी का अकाउंट लॉक किया और फिर कांग्रेस का अकाउंट भी लॉक किया है। इसी वजह से ट्विटर ने कई कांग्रेसी नेताओं के अकाउंट्स को लॉक कर दिया है। बता दें कि राहुल गांधी ने दिल्ली में पिछले दिनों हुए बच्ची से रेप और कथित मर्डर के मामले में पीड़ित बच्ची के परिवार से मुलाकात की थी। राहुल गांधी ने इस मुलाकात की तस्वीरें ही ट्विटर पर डाली थी और लिखा था कि वो न्याय की राह में इस परिवार के साथ हैं और एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। परिवार की तस्वीर साझा करने के आरोप में ट्विटर ने राहुल गांधी का अकाउंट लॉक कर दिया और इसके बाद कई कांग्रेसी नेताओं ने उन तस्वीरों को अपने हैंडल पर शेयर किया था, जिसके बाद ट्विटर ने इन पर भी कार्रवाई करते हुए इन सभी का अकाउंट भी लॉक कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। खैर, राहुल गांधी एक खास अंतराल के बाद रफ्तार तो पकड़ लेते हैं, लेकिन फिर सावधानी हटते ही दुर्घटना भी घट जाती है। किसी भी दुर्घटना के बाद उभरने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है और ये वक्त किसी काम में एक कदम आगे बढ़ाकर 2 कदम पीछे खींचने जैसा हो जाता है और नतीजों में पीछे रह जाना पड़ता है। ऐसे में राहुल गांधी अक्सर ट्विटर के जरिए ही केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते थे, लेकिन अब जब राहुल गांधी का अकाउंट ही लॉक हो गया है तो उनकी बौखलाहट भी साफ देखी जा सकती है। दरअसल ट्विटर की ओर से अपना और कांग्रेस पार्टी समेत कई नेताओं का अकाउंट लॉक किए जाने को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बयान जारी किया है। राहुल गांधी ने कहा कि मेरा अकाउंट लॉक किया जाना मेरे लाखों फॉलोअर्स का अपमान है। उन्होंने कहा कि अब देश का लोकतंत्र खतरे में है। राहुल गांधी ने कहा कि मेरे ट्विटर को बंद करके वो हमारी राजनीतिक प्रक्रियाओं में दखल दे रहे हैं, ये देश के लोकतांत्रिक ढांचे पे एक हमला है। ये राहुल गांधी पर हमला नहीं, मेरे 19-20 मिलियन फॉलोअर्स पर हमला है, आप उन्हें नकार रहे हो। दरअसल राहुल गांधी ने पिछले हफ्ते दिल्ली में कथित बलात्कार और हत्या की शिकार 9 साल की बच्ची के परिवार के साथ तस्वीरें ट्वीट की थी और इसके बाद राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने राहुल गांधी के ट्वीट का संज्ञान भी लिया था और ट्विटर को नाबालिग पीड़िता का निजता का उल्लंघन करने के लिए कांग्रेस नेता के अकाउंट के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। राहुल गांधी ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। By shutting down my Twitter, they're interfering in our political process. A company is making its business to define our politics. And as a politician, I don't like that. This is an attack on the democratic structure of the country. This is not an attack on Rahul Gandhi. This is not, simply shutting Rahul Gandhi down. I have 19, 20 million followers. You're denying them the right to an opinion. That's what you're doing. So this is not only patently unfair, they are breaching the idea that Twitter is a neutral platform. And for the investors, this is a very dangerous thing. Because taking sides in the political contest has repercussions for Twitter. Our democracy is under attack. We're not allowed to speak in parliament.
the media is controlled. And I thought there was a ray of light where we could put what we thought on Twitter. But obviously that's not the case. It's obvious now that Twitter is actually not a neutral, objective platform. It is a biased platform, and it's something that listens to what the government of the day says. As Indians, we have to ask the question, are we going to allow companies, just because they are beholden to the government of India, to define our politics for us? Is that what this is going to come to? Or are we going to define our politics on our own? Right? That's the real question. हालांकि राहुल गांधी ने जिस तरह से ये बयान जारी किया है उससे साफ उनकी बौखलाहट देखी जा रही है और कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि राहुल गांधी का ये एक्टिव मोड इसलिए भी नजर आ रहा है क्योंकि अब माहौल चुनावी जो है। दरअसल अगले साल यूपी, उत्तराखंड और पंजाब जैसे राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और इसीलिए हर बार की तरह कांग्रेस पूरी तरह से काफी एक्टिव हो गई है। यही वजह है कि जो राहुल गांधी इनसे एक्टिव इतने दिन से दिख रहे हैं, फिर चाहे उनका जम्मू कश्मीर का दौरा ही क्यों ना हो। दरअसल ट्विटर के राहुल गांधी की पोस्ट हटाए जाने के बाद वो 2 साल बाद फिर से जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे थे। विपक्षी नेताओं को मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ एकजुट करने में जुटे होने के बावजूद भी इस बार वो अकेले जम्मू कश्मीर पहुंचे थे। हालांकि साल 2019 में वो विपक्षी नेताओं को साथ लेकर जा रहे थे, लेकिन एयरपोर्ट से ही उन्हें दिल्ली भेज दिया गया था। विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में राहुल गांधी को एक्टिव ही नहीं काफी हद तक सफल भी देखा जा रहा है। ये ठीक है कि राहुल गांधी की विपक्षी दलों के साथ बैठक में ज्यादातर पार्टियों के बड़े नेता नहीं होते और बीएसपी और आम आदमी जैसे पार्टी के राजनीतिक दल उनसे दूरी भी बना लेते हैं, लेकिन माना जा रहा है कि विपक्षी नेताओं के बीच राहुल गांधी अपना मैसेज देने में पूरे कामयाब हो रहे हैं। लेकिन अब एक बार फिर से राहुल गांधी के ट्विटर के बाद अब फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट भी लॉक किए जाने की मांग उठने लगी है। जी हां, ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट बंद किए जाने के बाद से बवाल मचा हुआ है। अब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने राहुल गांधी के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी कार्रवाई करने की मांग की है। सूत्रों के मुताबिक आयोग ने फेसबुक और इंस्टाग्राम को चिट्ठी लिखकर कहा कि राहुल गांधी ने रेप पीड़िता के माता पिता की पहचान उजागर करके पॉक्सो एक्ट का उल्लंघन किया है, इसके लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। इस मामले में ट्विटर पहले ही राहुल गांधी के हैंडल को लॉक कर चुका है। राहुल गांधी के अलावा 20 नेताओं और पार्टी के 7 ट्विटर हैंडल को भी लॉक कर दिया गया है। राहुल ने दरअसल नाबालिग के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की थी, जिनके साथ राष्ट्रीय राजधानी में कथित रूप से बलात्कार किया गया था। उनकी हत्या कर दी गई थी और उसके माता पिता की सहमति के बिना ओल्ड नंगल शमशान में उसका अंतिम संस्कार किया गया था। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार की पहचान उजागर की है, जो गैर कानूनी है। NCPCR की शिकायत के बाद गांधी के ट्विटर अकाउंट को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था। वहीं राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया है कि अमेरिकी कंपनी पक्षपातपूर्ण है, ये भारत की राजनीतिक प्रक्रिया में दखल दे रही है और सरकार के कहे मुताबिक चल रही है। उन्होंने ये भी दावा किया कि ट्विटर की ओर से जो किया गया है वो भारत के लोकतांत्रिक ढांचे पर हमला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। हालांकि उत्तराखंड के भी कई कांग्रेस नेताओं के अकाउंट लॉक हुए हैं और इसीलिए कांग्रेस ने इस विरोध में ट्विटर पर मैं भी राहुल मुहिम शुरू कर दी है। बड़ी तादाद में कांग्रेस समर्थकों ने अपने अपने ट्विटर हैंडल का नाम राहुल गांधी रख लिया है और प्रोफाइल में उनकी तस्वीर भी लगा ली है। इसके साथ ही मैं भी राहुल हैशटैग के साथ ट्वीट किए जा रहे हैं, जो ट्विटर पर काफी ट्रेंड भी कर रहा है। इसी बीच कांग्रेस ने कहा है कि उसके आधिकारिक हैंडल समेत ट्विटर ने उसके कई और नेताओं के अकाउंट लॉक कर दिए हैं। राहुल गांधी के जिस तरह से बयान उन्होंने जारी कर रहे हैं और एक्टिव दिख रहे हैं, ये साफ तौर पर उनका ये रवैया आने वाले चुनाव को लेकर उनकी एक्टिवनेस को दर्शा रहा है। दरअसल राहुल गांधी को लेकर विपक्षी खेमे में पुरानी धारणा बदलने लगी है। आपको बताते हैं कि वो सभी के साथ
सम्मानजनक तरीके से पेश आते हैं और अपनी बात कहने के साथ साथ उनकी राय जानने की भी कोशिश करते हैं। ऐसे में कोशिश होती है कि विपक्ष के नेताओं को भी अपनी बात कहने का पूरा मौका मिले और ऐसी कई बैठकों के बाद राहुल गांधी सबके साथ मीडिया के सामने भी आते हैं और अपनी बात कहते भी नजर आते हैं। बातें तो नई नहीं होती, लेकिन उनके आस पास कांग्रेस के कुछ नेताओं के अलावा अब विपक्षी चेहरे भी नजर जरूर आते हैं और ये कोई मामूली बात नहीं है। हालांकि कांग्रेस नेता ही नहीं, कांग्रेस पार्टी का मुख्य ट्विटर हैंडल और मुंबई रीजनल कांग्रेस वर्किंग कमेटी का ट्विटर हैंडल भी लॉक कर दिया गया है और इसके पीछे भी नियमों के उल्लंघन को वजह बताई गई है। वहीं मुंबई रीजनल कांग्रेस वर्किंग कमेटी के प्रेसिडेंट चरण सिंह सापरा ने कहा कि हम अपनी आपत्ति के बारे में ट्विटर को जल्द ही ईमेल लिखेंगे। खैर, ट्विटर ने कांग्रेस नेताओं के अकाउंट को लॉक करने के पीछे नियमों का उल्लंघन की बात कही है। उसका कहना है कि नेताओं ने अभी नियम का उल्लंघन करने वाले पोस्ट डिलीट नहीं किए हैं और ऐसे में पोस्ट के ऊपर नोटिस तब तक दिखाता रहेगा जब तक वो उसे डिलीट नहीं कर देते। ये एक्शन राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की शिकायत पर किया गया है और इससे पहले दिल्ली में कथित वेब पीड़िता बच्ची के माता पिता की तस्वीर ट्वीट करने पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट अस्थायी रूप से लॉक किया गया था। इसे लेकर कांग्रेस काफी हमलावर भी हुई थी और ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने दावा किया था कि राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट अस्थायी रूप से निलंबित यानी कि सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन ट्विटर ने इस दावे को खारिज कर दिया है। दरअसल ट्विटर के अनुसार यह अकाउंट अभी सेवा में बना हुआ है और इसके बाद कांग्रेस ने माना है कि अकाउंट अस्थायी रूप से लॉक किया गया है। इस मामले को लेकर 11 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट में भी सुनवाई हुई थी। ऐसे में ट्विटर ने कोर्ट को सूचित किया था कि राहुल गांधी की ट्वीट की गई फोटो उनसे डिलीट कर दी गई है और इस पर हाई कोर्ट ने ट्विटर की तारीफ भी की थी। राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट पर अभी बता दें आखिरी ट्वीट 6 अगस्त का दिख रहा है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता जावेद अहमद का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है ये आपको सुनवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र और संविधान को कुचलना चाहती है और उसने लगभग कुचलने का बहुत प्रयास किया है, लेकिन राहुल गांधी जी कांग्रेस के नेतृत्व में जिस तरीके से लोकतंत्र और संविधान को बचाने का प्रयास किया गया है, जिस तरीके से सरकार की नाकामियों को राहुल जी ने उजागर करने का काम किया, संसद से लेकर सड़क तक, जिस तरीके से जनता के मुद्दों को सदन से लेकर सड़क तक उठाने का काम किया, चाहे वो किसानों का आंदोलन रहा हो, चाहे वो महंगाई का मुद्दा रहा हो, चाहे बेरोजगारी की समस्या रही हो, चाहे पेंडेमिक काल में कोरोना पेंडेमिक में सरकार की विफलताओं का नाकामियों का मामला रहा हो, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर या देश के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी क्रूरता के साथ लोकतंत्र का, लोकतांत्रिक व्यवस्था का दमन करने का प्रयास किया, जिस तरीके से राष्ट्रीय संस्थानों को अपनी गुलामी में लेने का प्रयास किया, जिस तरीके से राष्ट्रीय संस्थानों को निजी हाथों में सौंपने का काम किया, इसका खुलासा जब राहुल जी ने किया, प्रियंका जी करती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का सिंहासन डोलने लगता है। आज यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्विटर इंडिया पर दबाव डालकर राहुल गांधी जी के ट्विटर हैंडल को लॉक कराने का प्रयास किया। कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं के ट्विटर हैंडल को लॉक करने का प्रयास किया है, लेकिन उससे कांग्रेस राहुल जी के नेतृत्व में कहीं पर झुकने वाली नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में अगर हिम्मत है, दम है, तो वो सदन के अंदर किसानों के मामले पर बहस के लिए क्यों तैयार नहीं होता, बेरोजगारी के सवाल पर बहस के लिए क्यों तैयार नहीं होता, महंगाई के मुद्दे पर बहस के लिए क्यों तैयार नहीं होता, पेगासस जासूसी जैसे संवेदनशील विषय पर वह बहस के लिए तैयार क्यों नहीं होता, सवाल करने पर वह दूसरा सवाल जब उठाने का काम करते हैं तो निश्चित रूप से लोकतंत्र की मर्यादा खंडित होती है। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार संविधान पर हमलावर है, संवैधानिक संस्थाओं पर हमलावर है, यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दबाव में
ट्विटर हैंडल राहुल जी का लॉक किया गया है। इससे कांग्रेस डरने वाली नहीं है, घबराने वाली नहीं है। है ये बापू की कांग्रेस है, ये नेहरू जी की कांग्रेस है, ये इंदिरा जी की कांग्रेस है। नरेंद्र मोदी जी जैसे कितने तानाशाह इस दुनिया में आए और चले गए। गुरुवार को अपने फेसबुक अकाउंट पर लिखा है कि जब कोई व्यक्ति डर के आगोश में होता है तो उसके द्वारा किए जाने वाले अपराधों का अंत नहीं होता। इस बयान के साथ पार्टी ने एक तस्वीर भी चस्पा की है जिसमें लिखा है कि मोदी सरकार और नीचेगिरी रेप पीड़िता को न्याय देने की मांग करने पर कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल समेत नेताओं के 5,000 अकाउंट को लॉक कर दिया गया है। आपको बता दें कांग्रेस इस बहस को ट्विटर बनाम कांग्रेस पार्टी से आगे लेकर जाने पर जोर दे रही है। दरअसल कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा था कि ये लड़ाई न ट्विटर से है और न किसी कानून के उल्लंघन की है, ये लड़ाई मोदी सरकार द्वारा एक दलित बेटी के अधिकारों की आवाज उठाने वाली आवाज को दबाने की है, ये लड़ाई मोदी सरकार द्वारा अपने विरोधियों की आवाज को दबाने की है, प्रजातांत्रिक तरीके से अपनी बात कहने की आजादी को दबाने की है। सरकार डरा धमका कर ट्विटर का इस्तेमाल कर एक पिट्ठू की तरह काम कर रही है। बता दें सुरजेवाला ने कहा था कि इन सारे अकाउंट्स को बंद करने का क्या औचित्य है, जब 2 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो कि एक कानूनी संस्था है उन्होंने ये सारी तस्वीरें ट्वीट की, तो 3 अगस्त को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य और बीजेपी की पूर्व सांसद ने ये तस्वीरें ट्वीट की थी और 4 अगस्त को राहुल गांधी पीड़िता के परिवार से मिले और उन्होंने उनके न्याय की आवाज उठाने की गुहार लगाई। लेकिन इन सबके बीच एक सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या न्याय दिलाने के लिए नियमों का उल्लंघन जायज है। और साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने ट्विटर पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करने का भी आरोप लगाया है और इसके समर्थन में वो सबूत पेश करने का दावा भी कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से बीजेपी नेताओं के उन ट्वीट्स को शेयर किया जा रहा है जिसमें पॉक्सो नियमों का उल्लंघन हुआ है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई और ट्वीट भी आज तक डिलीट नहीं किए गए हैं। दरअसल कांग्रेस नेता श्रीनिवासन ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि क्या ट्विटर ने रेप पीड़िता का वीडियो डालने और पर नफरत और दुष्प्रचार के ब्रांड एम्बेसडर अमित मालवीय का अकाउंट लॉक किया था। आपको बता दें बीजेपी नेता अमित मालवीय के एक अन्य ट्वीट को शेयर करते हुए श्रीनिवासन ने लिखा कि डियर ऑरेंज ट्विटर, ये रेप पीड़िता की माँ है। इस ट्वीट को 10 महीने हो गए और अकाउंट अभी भी सक्रिय है, मोदी जी से परमिशन नहीं मिली क्या? दरअसल ट्विटर के मुताबिक अगर कोई ट्वीट ट्विटर के नियमों का उल्लंघन करता हो और उसे खाता धारक द्वारा डिलीट ना किया जाए तो कंपनी इसे एक नोटिस के पीछे छिपा देती है और अकाउंट लॉक रहता है जब तक कि ट्वीट डिलीट ना हो जाए या खाता धारक द्वारा की गई अपील स्वीकार ना कर ली जाए। हालांकि पक्षपातपूर्ण कार्रवाई के आरोप पर ट्विटर की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। वहीं कांग्रेस ने यह भी कहा है कि इन सब के बीच ये ना भूल जाएं कि असल मुद्दा क्या है। ऐसा कांग्रेस से क्यों कहा ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। इस टाइम हमारे साथ मौजूद है ओमकार नाथ सिंह, कांग्रेस लीडर है। आइए उनसे जानते हैं डिजिटल दादागिरी जो चल रही है इसके बारे में कांग्रेस का क्या कहना है। जी सर बताएं। देखिए ट्विटर कंपनी जो है ये एक तरह से गवर्नमेंट एजेंट की तरह से काम कर रही है और वो जो सरकार का डिक्टेटरशिप रवैया है वही इसको अपना रही है, लेकिन ये नहीं जानती है कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसने जब ट्विटर नहीं हुआ करता था, सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, उसने इस देश को आज़ादी दिलाई, अंग्रेज़ों के यहाँ से भगा दिया। तो इनको ट्विटर की कांग्रेस को कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर हमने ये आप ये मान रहे हैं कि क्या ये जो सोशल मीडिया की लड़ाई है ये कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ गई है, मतलब अकाउंट लॉक हो जा रहे हैं? राहुल गांधी जी का भी अकाउंट के ऊपर पहले नीला टिक हुआ था, वो हट गया था, फिर थोड़े टाइम के बाद लॉक भी हुआ था। ये सरकार की हताशा है जो बार बार कंपनीज को प्रेशराइज कर रही है कि इसको बंद किया जाए, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अगर वो बंद करना चाहते हैं तो वो बंद कर दें, लेकिन कांग्रेस पार्टी आप देखिएगा कि लाखों लोगों ने जो है ट्विटर पर ही मैं भी राहुल हूँ करके उनकी फ़ोटो लगा के वो अपना अकाउंट चालू कर दिया है। आप बंद कीजिए जिसका जिसका बंद करना है आपको। 11 ये दादागिरी आप मान रहे हैं क्यों है, मतलब क्या खबर जो आप लोग खुलेआम डाल देते हैं उसके वजह से हो रहा है या फिर कोई और वजह हो सकती है? नहीं बिल्कुल उसी की वजह से हो रहा है, ये दादागिरी उसी वजह से हो रही है कि जो हम न्यूज़ दे रहे हैं वो सच न्यूज़ दे रहे हैं या घबरा रहे हैं उसका जवाब ये नहीं दे पा रहे हैं।
उसका सबसे बड़ा उदाहरण पेगासस है। पेगासस पे इंक्वायरी हो रही है, उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं और सदन नहीं चल पाया। अंतर्गतवा दो दिन पहले सदन को इन्हें बंद करना पड़ा। तो जो रफ्तार चल रही है इस समय शासन की, वो बहुत ही चिंताजनक है। देश जो है डेमोक्रेसी खत्म हो रही है जैसे लग रहा हो, और डिक्टेटरशिप आ रही हो, इसका सबको हमें विरोध करना चाहिए। और ऐसी कंपनीज जो सरकार के डिक्टेटरशिप में भाग ले रही हों कि उनको मदद कर रही हों, तो मैं समझता हूँ ऐसी कंपनी को देश के हर नागरिक को त्याग करना चाहिए। 5,000 से ज़्यादा अकाउंट को लीक होने की खबर है, अब आप लोग आगे में क्या तैयारी करेंगे? हम इस ट्विटर अकाउंट के हैक से बिल्कुल नहीं घबरा रहे हैं। हम गांव-गांव जाएंगे, अपनी जनता से मिलेंगे, अपनी जनता को बताएंगे। ये तो अपने ये समझते हैं कि ये बंद कर देंगे तो उससे बंद हो जाएगा। ट्विटर नहीं था तो क्या देश में राजनीति नहीं होती थी? ट्विटर नहीं था तो क्या देश में हमने चुनाव नहीं लड़े, हमने सरकार नहीं बनाई? तो ये तो इनका ख्वाब है, ये कर ले जितना करना है, और खूब जितना अपना बोलना चाहे बोले, जिसको पढ़ाना हो पढ़ाएं। जब आधे लोग पढ़ेंगे ही नहीं इसको, तो देखिएगा कौन इसको। बात करने के लिए शुक्रिया। जैसे इनका ये कहना है कि ये अभी तो ये आगाज़ है, अंजाम होना अभी बाकी है। सोशल मीडिया की लड़ाई ही भले ही लड़ रही हो, लेकिन बोलना इनका अभी बंद नहीं होगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ न्यूज़ वन इंडिया के लिए। प्रियंका गांधी समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार और ट्विटर का विरोध करते हुए अपने निजी ट्विटर अकाउंट के नाम बदलकर राहुल गांधी रखना शुरू कर दिया है। कोविड की दूसरी लहर के दौरान लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाते दिखे यूथ कांग्रेस नेता श्रीनिवासन ने भी अपने अकाउंट पर नाम बदलकर राहुल गांधी कर दिया है। श्रीनिवासन के अकाउंट से ट्वीट किया गया है और उसमें लिखा गया, तुम कितने ट्विटर अकाउंट रोकोगे? हर कार्यकर्ता राहुल गांधी की आवाज बनकर तुमसे तीखे सवाल पूछेगा। आइए मिलाकर इस जन आंदोलन का हिस्सा बनते हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी अपने अकाउंट पर राहुल गांधी की फोटो लगाते हुए सवाल किया है कि क्या ट्विटर कांग्रेस नेताओं के अकाउंट्स निलंबित करने की अपनी नीति का पालन कर रहा है या मोदी सरकार की नीति का? इसने अब तक SC आयोग के अकाउंट को लॉक क्यों नहीं किया, जिससे कि इसी तरह की तस्वीरें जारी की गई थी? इसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया कि ये नहीं भूलना चाहिए कि असल मुद्दा क्या है। उन्होंने लिखा, जब भाजपा सरकार ने ट्विटर के साथ मिलकर न्याय की गुहार लगाने वाली आवाजों को बंद कर दिया है, तो ऐसे में हमें असल मुद्दा नहीं भूलना चाहिए। और असल मुद्दा भारत की राष्ट्रीय राजधानी के बीचों बीच एक 9 वर्षीय दलित लड़की का क्रूर बलात्कार और जबरन दाह संस्कार का है। असल मुद्दा ये है कि दिल्ली पुलिस ने 15 घंटे तक FIR दर्ज होने की इजाजत नहीं दी, और नरेंद्र मोदी आपने एक मासूम बच्ची के खिलाफ हुए जघन्य अपराध पर एक शब्द भी क्यों नहीं कहा? असल मुद्दा ये है। खैर, वहीं देखने वाली बात अब ये होगी कि कांग्रेस और ट्विटर के बीच ये विवाद कहां जाकर रुकेगा और क्या नया रूप लेगा। फिलहाल इसी के साथ 4 के चक्रों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए न्यूज़ 12 इंडिया।